हीरो हीरोइन फिल्म में कई तरह के किरदार निभाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो उन किरदारों से काफी अलग होते हैं। आज आपको एक ऐसी हीरोइन के बारे में बताएंगे जो फिल्म में तो अपने को एक्टर की बेटी बनी और असल जिंदगी में उसी दौरान वो उनकी गर्लफ्रेंड भी थी। देख रहे हैं आप एवन एंटरटेनमेंट, लेकर आई हूँ आज मैं आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा। मेरा नाम है मेघा, स्वागत आप सभी का बाहों के दरमियाँ। और आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ये गाने आज भी सुपर हिट हैं। फिल्म खामोशी द म्यूजिकल साल 1996 में रिलीज हुई, जिसे कई साल हो गए हैं। इस फिल्म में सलमान और मनीषा कोइराला लीड रोल में थे, लेकिन फिल्म के सेट पर कुछ और ही कहानी चल रही थी। इस फिल्म में नाना पाटेकर और मनीषा पिता और बेटी के रोल में थे, लेकिन असल जिंदगी में उस दौरान वो रिलेशनशिप में थे। 9 अगस्त 1996 को ये फिल्म रिलीज हुई। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी इस फिल्म का प्रोडक्शन भी उन्होंने ही संभाला। फिल्म में बबलू चक्रवर्ती, रेमो फर्नांडिस, जतिन ललित ने म्यूजिक दिया था। नाना पाटेकर, सीमा विश्वास, मनीषा कोइराला, सलमान खान, हेलन, हिमानी शिवपुरी और रघुवीर यादव अहम रोल में दिखे थे। वैसे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल हुई थी। इसका बजट 6 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 12 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी डबल, लेकिन फिर भी इसे फ्लॉप की गिनती में ही गिना जाता है। और सलमान ने भी अपनी इस फिल्म को एक इंटरव्यू में फ्लॉप ही बताया था। अब ये तो सलमान जाने कि उस टाइम पे उनके हिसाब से सुपर हिट फिल्म क्या होती है। अब तो खुद उनकी फिल्म में 900 करोड़ का बिजनेस करती है। उनकी फिल्म बजरंगी भाईजान ने वर्ल्ड वाइड 986 करोड़ का बिजनेस किया था। इसी फिल्म से संजय लीला भंसाली ने फिल्म मेकिंग की शुरुआत करी थी। खामोशी द म्यूजिकल की शूटिंग में नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला पिता और बेटी का रोल कर रहे थे। ठीक उसी समय वो एक दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, अग्नि साक्षी। इसमें वो दोनों पति पत्नी का किरदार निभा रहे थे। एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, मनीषा कोइराला ने खुद ये बात एडमिट करी थी कि उस शूटिंग के दौरान वो नाना पाटेकर के साथ रिलेशनशिप में थी, जबकि वो जानती थी कि नाना पहले से ही शादीशुदा है। इस फिल्म में हेलन सलमान खान के कहने पर काम करने को तैयार हुई थी। सलमान हेलन के स्टेप बेटे हैं। ये सलमान और हेलन की पहली फिल्म थी। संजय लीला भंसाली की पहली चॉइस मनीषा कोइराला वाले रोल के लिए माधुरी दीक्षित थी, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया और बाद में मनीषा को साइन किया गया। पूरी फिल्म एक म्यूजिकल थीम पर बेस्ड थी, जिसमें प्यार के इमोशंस को दर्शाया गया था। फिल्म में पिता और बेटी का रोल करने वाले असल जिंदगी में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। वेल, आपको ये बात जानकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्या ये फिल्म आपने कभी देखी है या इसका कभी नाम भी सुना है? वेल, सलमान को जो बहुत लंबे समय से फॉलो करते हैं, जो उनके डाई हार्ड फैन हैं, उन्हें इस फिल्म के बारे में ज़रूर पता होगा। ऐसे ही दिलचस्प गॉसिप लेकर आएंगे। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।